हरि ओम। आज यही टॉपिक बनाया कि छोड़ो सारा रोना धोना, छोड़ो, एक्शन में लाओ। अभी सुनने का टाइम भी नहीं है, अभी करने का टाइम है। जो मनुष्य बैठा रहता है उसका भाग्य भी रुका रहता है, जो उठ खड़ा होता है उसका भाग्य भी उसी प्रकार उठता है, और जो पड़ा जा लेटा रहता है उसका सौभाग्य भी सो जाता है, और जो विचरण में लगा रहता है उसका सौभाग्य भी चलने लगता है। एक मिनट भी दादा भगवान बैठे हैं। दादा लक्ष्मी भगवान की जो जीवनी बार बार अगर सुनाओ तो हमारे आइडियल हैं वो, हमारे मास्टर हैं वो, तो फिर उसमें क्या हुआ? सतो सतो प्रधान बुद्धि होगी तो गुरु को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो नहीं है तो हम कलयुग में भी सतो प्रधान बुद्धि बनाएं जो सत की तरफ हो। उसमें सारा आपको आहार का भी बताया है, खाने पीने का बताते हैं सारा, कि सतगुणी सतयुग बुद्धि कैसे बनती है, नहीं तो रजोगुणी तमोगुणी में बात लंबी हो जाएगी। अभी रोना धोना छोड़ो, चलो लग जाओ उसमें। जैसे जीने की कला जो है, एक तो आर्ट ऑफ डाइंग है, आर्ट ऑफ लिविंग कैसे है, क्या करना है हमें आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, क्या दिया हमें भगवान जी ने, कि जीने की कला क्या है। अब भगवान जो करता है वो सब कुछ अच्छा करता है। जैसे वो एक किसान ने भगवान को बोला था, तुमको कुछ जांच नहीं आती है, तो उस किसान ने क्या करा था, पुरानी सी पहले भी कहानी सुना चुकी हूँ। ये किसान ने ईश्वर की को कहा, शायद ईश्वर उस समय दूर नहीं होता होगा, थोड़े से लोग होंगे तो पास में ही रहता होगा ना, मोहल्ले में कहीं भी, तो बात कर ली होगी। उसने बोला कि तुम क्या करते हो, रोज़ रोज़ भूलें करते हो, भगवान को बोलते हैं, रोज़ रोज़ भूलें करने से हमारी बुद्धि भी भूल वाली बन जाती है ना ऐसे। तो बोलता है ना, तो कभी तुम ला रहे हो, जब पानी की जरूरत नहीं है तो पानी ला देते हो, जब जरूरत होती है उस समय तो बाढ़ ऐसी आती है कि कीड़े मकोड़े सारे धुल जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, इस साल तुम करो। भगवान तो मान ही जाएंगे ना, सोचेंगे उसकी, वो नहीं सोच सकते कि भगवान की बुद्धि कहाँ तक है। तो जीवन जीने के लिए भगवान ने उसको सबक भी सिखाया, दे भी दिया। जैसे हम रो ही रहे हैं जीवन में, सत्संग में भी आ गए हैं, हम करते क्या है, जो करना है वही तो है ना सारा खेल। तो उसने क्या करा, बहुत सोचा, मैं बहुत अच्छा व्यवस्थित कर रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी तरह से कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया जितना चाहिए था। गेहूं था, वो गेहूं की कपोलें जब ऊपर आई तो उसने थोड़ा पानी दिया, थोड़ा सूरज दिया, थोड़ी 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 थोड़ा करा। अभी जब उसने काटने का टाइम आया, देखा तो बहुत ऊपर ऊपर तक कपोलें चली गई हैं, और नीचे जब खोला तो गेहूं तो था ही नहीं। फिर परमात्मा के पास गया, ये क्या हुआ, सब चीजें तो थी, आकाशवाणी हुई, सब संसार को चलाने के लिए सब चीजों की असुविधा ज्यादा चाहिए हमें। समझ रहे हैं आप जो हम बोल रहे हैं कि रोना धोना खत्म करें, हमें सब कंफर्ट जोन में हम आ गए हैं, सुख सुविधा चाहिए, असुविधा नहीं चाहिए। तो हमें क्या होता है, हम ग्रो नहीं होते हैं। बोलते मैं सूरज से सूरज भी बरसाता हूँ, तूने सारी व्यवस्था कर दी थोड़ी थोड़ी देर की, मैं तो उनको पूरा संघर्ष जो है वो चुनौतियों से है, तो वो जो आत्मा खिलती है वो कैसे खिलती। भूलें करो, भगवान जी बोलते भूल को बार बार रिपीट नहीं करो, भूल तो होनी चाहिए लेकिन बार बार उसी भूल को रिपीट करोगे तो क्या होगा, फिर मूर्खता है। कहीं बोलते ना लकीर के फकीर ही रह जाते हैं, उनमें कोई प्राण रहते ही नहीं है। हम अपने को सुरक्षित कर लेते हैं, अपने को एक साइड पे रख लेते हैं, उसका दिया भी जो होता बोलते धुएं वाला होगा, जागृत अवस्था में नहीं होगा। तो उसने जो किसान ने करा, उसने सब क्या करा, बड़ा सुरक्षित रख दिया पौधे को, और उसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो विकास जो होना है हमारा अंदर का, जो भगवान जी बोलते निष्काम करो, चार को प्यार करो जाके तुम, और जो भी मेरे कर्मों के कारण मेरे उल्टे लोग चल रहे हैं वो मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं। चैतन्य कैसे पैदा होता है, आज हम सारे सत्संग में आए हैं तो धीरे 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 हम जहाँ पहुँचे हैं, जो जो चुनौतियाँ सामने आई सबने उसको करा है ना, सहा है, जहाँ हम बचते गए उनसे, बचते जाते तो आज मैं भी आपके सामने नहीं होती। स्पिरिचुअल जर्नी जो है कितनी कठिन है, हमें राजपाथ चाहिए, हमें पगडंडियां नहीं चाहिए, हम ये करते हैं। आत्मा तो दुखों में ही उभरती है, बल पैदा होता है हमारे साथ, मुसीबतें हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, हमें स्ट्रांग बनाती हैं।
जैसे हम सत्संग में आ चुके हैं, पहुंच भी चुके हैं, फिर थोड़ी सी कहीं कुछ हुआ तो हम फिर वापस चले गए। जो अभी अभी मैं मोक्ष के दरवाजे पे पूरी खड़ी थी, लेकिन कोई अग्नि आई, मैं क्रॉस नहीं कर सकी, अपनी मन बुद्धि आ गई और मैं वापस चली गई। हमें आज इसलिए बोल रहे हैं कि हम अभी उठ के एक्शन करने का समय है, जो इस समय का कोविड-19 का समय है। वहाँ बैठ के खाली रोना धोना, ये मेरे भगवान के बच्चे तो शेर होते हैं। एक बार शेर और शेरनी कहीं जा रहे थे, उनका बच्चा भी साथ में था, तो बच्चा छोटा सा नाला क्रॉस नहीं कर रहा था, शेरनी ने जोर से उसको थप्पड़ मारा। शेर ने पूछा ऐसा क्यों, बोलते आज ये छोटा नाला क्रॉस नहीं कर रहा तो शेर का बच्चा कैसे कहलाएगा, हम कैसे कहलाएंगे कि हम इतने बड़े मास्टर के बच्चे हैं, हम महावीर हैं, मोहम्मद हैं, क्राइस्ट हैं, हमारे दादा भगवान हैं, हम दूर कहाँ जाएं, हमें इनकी एक एक की छाया बन के चलना है, हमारे आइडियल है ये। सत्संग हम सुनते हैं गुरुओं का और उनके मानते नहीं है, तभी हम रोते रहते हैं। उन्होंने व्यायाम भी सिखाया, सुबह उठना भी सिखाया, खाने पीने का ढंग सिखाया, कैसे रहना है, कर्मों का सिखाया है, फिर अभी क्या बच्चा है, जब उन्होंने सब हमें, ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमें मिलता है और सब सुना देता है। अगर हम उनमें से ना गुजरे, दादा जैसे उनकी प्रगाढ़ता मैं कैसे पाऊंगी, कैसे जिए। ये है जीवन में जीने का ढंग है कि भूल तो हो रही है, उस भूल को बार 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 रिपीट मत करो, जितनी भूले हैं करो, लेकिन उस भूल को रिपीट करोगे तो फिर तो हम मूर्ख पक्के हुए। छोटे बच्चे जो चलना नहीं सीखते हैं, अगर वो बैठे रहे तो पंगू हो जाएंगे, घुटने के बल ही चलते रहते। बच्चे को पता मैं गिरूंगा फिर खड़ा हो जाऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा हो जाऊंगा, तो हम कितना उसमें लगते हैं कि हाँ जाके समय, दो समय भी मिलता है, खाली भी करने को टाइम मिलता है, फिर हम क्या करते हैं, रोना धोना रोना धोना। आज कौन रोता है, सब छोड़ो, आज टॉपिक यही बनाया है, रोना धोना छोड़ो, लेट्स गेट अप, छोड़ो कल की बातें, नया जगत है, न्यू इंडिया बन रहा है, नया भारत है। संत लोगों की प्रगाढ़ता नहीं होनी चाहिए, ना कि पुराने शास्त्रों की सोच होनी चाहिए, वो कब लिखे गए थे, उनके ऊपर चल के भगवान ने वाणियां हमें दी है, कितना मजेदार जीवन दिया है। आपको अगर महाभारत की वो प्रतिज्ञा पता हो, विभीषण ने कृष्ण की प्रतिज्ञा को कैसे टाल दिया था, भीष्म पितामह ने, कृष्ण ने बोला मैं शास्त्र नहीं उठाऊंगा, जब दुर्योधन ने बताया खुश था कि हमारी जीत है, भीष्म पितामह को पता चला बिना युद्ध किए ये जीत कर बोल रहा है दुर्योधन, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कृष्ण को फोर्स कर दूंगा शास्त्र उठाने के लिए। सारे शस्त्र उसने कृष्ण को, वो जो पहिया जो था उसने उठाने पे मजबूर कर दिया था। ये हिम्मत है हम सबके ऊपर, किसने हमें संभाला था जब हम पेट में थे, तब भी कोई संभालने वाला था, जब वो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में तीर मारा था, उस समय कौन था परीक्षित को बचाने वाला, भगवान था। हमें विश्वास नहीं है कि कौन है, किसके बच्चे हैं हम, जागना है अभी, अभी बहुत हो गया, धीरे धीरे ज्ञान ही बदल जाए सारा, कि हम बैठे बैठे ऐसे ही बैठे रहेंगे, होगा होगा होगा, भगवान हिम्मत देते हैं, भगवान चेंज करते हैं सारा, ये ज्ञान भी अकॉर्डिंग टू समय चेंज होता है। भीष्म पितामह ने ऐसा खेल करा था कि कृष्ण मजबूर हो गए थे, कैसे करा था उन्होंने, जब ही पता चला भीष्म पितामह को, प्रतिज्ञा ले ली मैं ये करूंगा, तो उसने क्या करा, उसने देखा ये लड़ नहीं रहे हैं, दुर्योधन ने देखा भीष्म पितामह मेरे साथ हैं या उनके साथ हैं, तो जब वो युद्ध में उतरे, रात्रि को अंधकार था, अर्जुन के सामने शंख भी बजा दिया, भीष्म पितामह ने युद्ध शुरू कर दिया था, अर्जुन ने अभी क्या करते, कृष्ण खड़े हो गए, धर्म युद्ध हो रहा है, कृष्ण ने वो पहिया ही उठा दिया, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन आ गया, भीष्म पितामह ने कवच निकाल कर बोला प्रभु मैं चाहता था कि आप ये उठाओ, क्योंकि दुर्योधन की जीत हो गई तो फिर क्या होता, इसके कारण प्रतिज्ञाएं टाल दी। चलो वो सतयुग का समय था, अभी तो कलयुग में तो हम और भी जाग चुके हैं, घरों में प्रॉब्लम है, हर किस्म की वाणी है, हर किस्म का हल दिया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज मेरे भगवान जी के जहाँ नहीं है जो मोक्ष और मुक्ति का रास्ता हमें टाल सकती है। कटिंग की वाणी है, कोई उल्टा चले तो हम क्या करें, वो भी दी हुई है। फिर हम रहने का ढंग है, वाइब्रेशंस डाल लो, सब हमारे साथ अच्छे रहेंगे। एक भी जगह मेरा विकल्प नहीं आना चाहिए कि मेरा ऐसा बुरा है, बुरा हो रहा है, नहीं, आज से इसी वाणी से ले लो, मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, मेरे भंडारे भरे हुए हैं, चाहे नहीं भरे हुए हैं, लेकिन आप भाव डालो,
किचन में भंडारे भरे हुए हैं, गुरुदेव की बहुत कृपा बरस रही है, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, हमें किसी किस्म की इम्यूनिटी सिस्टम कोई कमज़ोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। पुट योर ऑल द गुड वाइब्रेशंस और फिर जीने की कला देखो तो सही। आप बोलोगे वाह हम कहाँ सो रहे थे, डीले डाला रहना सब छोड़ दो। बोलते ना घर में राम जैसे बाहर कृष्ण जैसे, सत्संग में अर्जुन जैसे रहो। अर्जुन जैसे रहते तो कितना कितने क्वेश्चन क्लियर हो चुके होते हमारे। अभी प्रारब्ध पर भरोसा ना करके पुरुषार्थ पे करना है हम सब ने। जिस दिन से ये ज्ञान सुना उस दिन से हमारी लिंक गुरु से, गुरु की वाणी से जुड़ रही है, जुड़ जाती है, तो लिंक ऐसे जोड़ के और उसके ऊपर हो जाए। संसार और संसार की बातें हमको दिखे ही नहीं, यही सच्चा पुरुषार्थ भी है आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए, यही तो हमारे ज्ञान की पहचान है। एक ही सच्चा रास्ता पकड़ना है सतगुरु का। निमित्त मात्र संसार चलेगा पर फाउंडेशन है कि मैं वो रास्ता भगवान का पकड़ूं, दूसरा ना पकड़ूं। सीधे रास्ते पर सिर्फ चलते चले, सब अभ्यास करना चाहिए। ये शरीर अभी तू ऐश करता है, अभी तू जाएगा तो दुनिया से तो क्या ऐश करेगा, जन्म मरण मिलेगा, तो पुरुषार्थ कर कुछ भी करने के लिए, चाहे प्रारब्ध बनानी है, लक्ष्मी चाहिए, भगवान जी तो बैठी हैं, हमें सब साथ दे रहे हैं, सिर्फ हमारे पुरुषार्थ में कमी है। उत्तम जिज्ञासु सबकी भलाई में रहता है, उत्तम जिज्ञासु सबको प्रेम करता है, किसी का सपने में भी विकार नहीं देखता है, वो सपने में भी जागता है, सपना आता है तो समझो अंदर मन है, वही जन्म मरण का कारण है। तो क्यों ना हम दिन में मन को नाश करें कि ये क्या पक्का करना है, क्या देखा है, दिन की बात रात को आएगी ना, तो पुरुषार्थ सारा क्या, रोना धोना बंद। यस हम जाग गए हैं, अगर न्यू इंडिया बन रहा है तो क्या मैं न्यू सत्संगी नहीं बनूंगी, मेरी सोच नई नहीं बनेगी, क्या हम पुराने ही रहेंगे? सत्संग में जो जितना सुनने की करने की लगन बढ़ाएंगे, अभ्यास होगा, पुरुषार्थ होगा, अपने आप देखो सारे रास्ते भगवान जी क्लियर करते जाते हैं हमारे। मन को समझाना है, जन्म जन्म में धक्का खाया है, मेरे में समाने का है तो बूंद बनो। ज्ञान के लिए पुरुषार्थ माना बी स्टिल, क्योंकि भगवान है पाथलेस लैंड है, तो भगवान को ढूंढने जाएगा तो कहीं भी नहीं मिलेगा, पाना दूर हो जाएगा, पर अगर अपने में ही आ जाएगा तो पुरुषार्थ कौन सा करेगा। हाथ की घड़ी को आईना लेके थोड़ी ना दिखाएंगे। भगवान करे खूब सारे आप सबके ऊपर आशीर्वाद बरसें, जो भगवान की ब्लेसिंग चल रही है, हम सिर्फ अपने को रोना धोने से बंद करें, उठ जाए। यस नथिंग न्यू अंडर द सन, आई कैन डू एवरीथिंग। प्यार ही तो करना है, प्रेम की कमी के कारण सारी चीजें हैं। हरिओम, गॉड ब्लेस।